इन लोगों को यहाँ कौन लेकर आया है? अरे तू परेशान मत हो, उन्हें जो करना है वो करने दे। पर हमारे ग्राउंड में शो ऑफ कैसे कर सकते हैं? ए, अपनी बाइक यहाँ से हटाओ। नहीं हटाया तो क्या कर लोगे? ये हमारा ग्राउंड है, जो हम जाएंगे वही होगा। अरे कौन है रे तुम लोग? ये टीम 5 का ग्राउंड है। टीम 5। ये कौन सी टीम है बे? जा और एक अच्छी टीम बना कर लिया। रेसर्स कम पड़े तो मुझे बोल देना, और अगर तूने यहाँ पर इन्हें प्रैक्टिस करने से रोका ना तो बाकी की प्रैक्टिस करने लायक नहीं छोड़ूंगा। चल अब निकल। चल जा, बाढ़ में गई तेरी टीम। जाना, चल निकल, चल। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ये कंपटीशन टीम 5 जीतेगी। अरे जा, तुम जैसी टीमों के साथ तो रेस भी नहीं करता मैं। चल निकल। Hey guys, continue. Hey विनय, आज लेकर आएगा या नहीं? क्या कर रहा है यार, आना जल्दी। अरे ये तो एक ही बर्गर लेकर आया है। अरे हम तो दो लोग हैं ना, चल खोल। एक ही मिलेगा, खा लो, इतना ही पैसा है बस मेरे पास। अरे रोता रहता है, कभी पैसे भी रहते तेरे पास। अच्छा एक बात बता, तेरा प्लान क्या है? तूने टीम 5 के नाम से उसको चैलेंज किया है, उसका क्या? वो तो मैंने जोश में ही बोल दिया यार, यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है, और तू तो जानता है कि हम जीत नहीं सकते, फिर क्यों मेहनत करे यार? मैं कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? तो फिर तुम लोगों ने उन्हें चैलेंज ही क्यों किया? वो लोग सही कह रहे थे यार, हमारे पास टीम ही कहाँ है यार। सही कहो तो सब कुछ उसकी वजह से ही बिगड़ा है। मुझे लगता है मैं भाई से बात कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भाई मानने वाले हैं। तू तो कुछ बोले ही मत, जब भी तू बोलता है तो कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। हम सभी लोग मिलकर भाई से बात करेंगे, अगर भाई मान गए तो टीम 5 कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगी। आज बनेगा ये बलि का बकरा। क्या चुराऊं, क्या तोड़ूं, ब्रेक को ही तोड़ देता हूं, और क्या टूट सकता है? ये तो नहीं टूट। भाई सब क्या खराब है? ये पूछो कि क्या क्या खराब नहीं है। इंजन निकालना पड़ेगा इसका, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे इसको ठीक करने में। भाई मुझे लगता है इसे सही करने में 2-3 हफ्ते तो जाएंगे। वो गाइगो नहीं, इसमें पक्का 2 हफ्ते लगेगा भाई। जाके अपना काम कर, 2 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा। गधा कहीं का, पैसा तो बहुत खर्चा होगा भाई। भाई कहाँ है? अरे भाई आएंगे तो भी मुझे ही उनको सब बताना पड़ेगा, बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं। ओए बाबू, कौन है भाई? भाई किधर है? देखा, भाई के लिए सर्चिंग हो रही है। अरे बंधुआ इधर देखो, मैं ही तो हूँ भाई, जब वो आ जाएंगे तो वो बन जाएंगे, तब तक तो मुझे सलाम ठोको। चल भाई, अब तक आए ही नहीं है। पहले क्यों नहीं बोला बे? अरे मेरे को ताव दिखाता है, धत तेरी तो। मेरे ही लड़के बहुत डरते हैं मुझसे। आ गए भाई। क्या हुआ बे? भाई एक मैटर हो गया भाई। आ जा। क्या सीन हो गया भाई? इसमें देखिए कुछ मिसिंग है। मिसिंग? भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ भाई, मैंने तो पहले ही बोला था कि इंजन निकालना पड़ेगा, तो ये लोग मुझे ही सिखा रहे हैं। आइला, ये क्या है? फूका गाई को पटाखा बजा रहे हो क्या? मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ भाई, ये क्या कर रहे हैं? इसका क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है भाई। क्या रे झोलर, सही हो गई? क्या बोलते हैं, ये एकदम सही है, लेके जा इसको। चल रे। मैंने तो बोला ही था कि भाई ठीक कर देंगे। देखा ना बिड़ू, सही हो गई तेरी गाड़ी। आगे बोल भाई। एलबी और उसकी गैंग ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो क्या हो गया? कंपटीशन पास आ रहा है भाई, टीम 5 को अब तक चांस नहीं मिला भाई। क्या कर सकते हैं, अकील और संजय के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम ट्रैक पे जा ही नहीं सकते, उन दोनों को छोड़ के अधूरी है टीम 5। भाई अगर आप चाहो तो। हम लोग को 2 नवे छोकरे लोग को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये इतना आसान नहीं होगा।
और अगर तुम लोग ट्रेंड आदमी को लोगे तो भाई का उसके साथ जमने वाला नहीं है। बोले तो भाई के पास ज्यादा पावर है ना। पता नहीं क्यों पब्लिक को ऐसा लगता है कि बाइक स्टंटिंग का खेल सिर्फ बिगड़े हुए या अमीरजादों के लिए है। बुरा मानते हैं इसको सब। ये बस एक एडवेंचर स्पोर्ट है, इसके अपने खुद के कायदे और कानून है भाई लोग। सही कह रहा हो ना बाबू? हाँ सही बोल रहे हो भाई, मैं भी इसे क्रिमिनल लोगों का रीयूनियन नहीं होने दूंगा। सिर्फ हिम्मत से तुम लोग अच्छे स्टंटर नहीं बन सकते हो, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। और अखिल के पास वो भर भर के था, तुम लोग बस कैसे भी उसको ढूंढ डांट के लेके आओ इधर। कंपटीशन की बात उसके बाद कर लेंगे हम लोग। अभी अपन खाना खाए क्या? आपको भूख नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। चलो मैडम से मिलवा दो। चलो आजा। सच में यार अखिल ने कमाल कर दिया। हाय हाय। मीट मिस्टर संदीप। हाय हाय। इज द एरिया मैनेजर अब बचा। एक्सक्यूज मी। नाइस टू मीट यू। हाय। वंडरफुल परफॉर्मेंस अखिल। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक्स। नेक्स्ट मंथ कंपनी एक नई सीरीज की बाइक लॉन्च कर रही है। ये यहाँ तुम्हारे परफॉर्मेंस की बात करने आई है। उस इवेंट में तुम्हें परफॉर्म करना है। She is in charge of the event. Oh wow. Here is my card. I would like to have you at my office. बाकी बातें हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे। Sure. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Pleasure meeting you. Pleasure. Bye. Bye. ड्राइव कैसे रही? ये देखिए कॉइल बाहर निकल रही है, पुलिंग लो है और आवाज भी ज्यादा कर रही है। गैस्केट को बदल दिया तो? उससे कुछ फायदा नहीं है, संभाल नहीं पाएगी, कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर इंजन को जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा, वरना इसको बेच ही दो। नहीं दोस्त, मेरे पास तीन और गाड़ियां हैं, लेकिन इसके जितना मजा किसी में नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी इसी से शुरू की थी। इंजन बदल देता हूं, अगर हम ऐसे ही जरूरी चीजों को छोड़ते रहे तो एक दिन हमें अपनी मां को भी छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको ठीक करवा लेते हैं। अलीना बेटा, अलीना
अलीना बेटा क्या अब तक सो रही है? अलीना उठ जाओ, चलो उठो। हाय उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। ओ नहा चुकी, कितनी देर से उठा रही हो? आप कितनी सुंदर हो माँ। मस्का मत लगाओ, सोने दो ना, क्लास के लिए नहीं जाना है, उठो। बस 5 मिनट माँ सोने दो। उठ जाओ बेटा। अच्छा माँ टाइम क्या हुआ है? क्यों क्या हुआ, फिर से सोना है क्या? चलो उठ जाओ और तैयार हो जाओ। कितना सोती है ये लड़की? 8 बजे हैं माँ। आज ऑफिस में मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, मैं लेट हो जाऊंगी। नींद खराब कर दी। तुम्हारी नींद तो कभी पूरी नहीं होती। आप क्या हुआ? माँ चाय। तू खुद नीचे आकर नहीं ले सकता क्या? ओहो चाय के लिए भी फोन करता है, परेशान कर रखा है। हे भगवान, इस लड़की को तो देखो कैसे सो रही है। चलो जाकर फ्रेश हो जा। हाँ माँ लेकिन पहले चाय तो दो ना। जा और जाकर अपने आप ले ले। किधर है चाय? ठीक है ठीक है मैं ले लूंगी। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। कितने दिनों से तुझसे कह रही हूँ कि जरा वाटर टैंक साफ करवा देना। भगवान ही जानता है कैसे कैसे पैसे जोड़कर मैंने तुझे इंजीनियरिंग करवाई है और तुझे तो बस सोने से मतलब है। पता नहीं मैं इसके सामने ये सब क्यों कह रही हूँ। चलो फिर सो जाता हूँ। हाँ बोल। हाँ अकी तू उठा क्या? अभी तक नहीं उठा है? आज तेरी मीटिंग है आर्यन के साथ। अरे यार मैं बस आता हूँ 5 मिनट में। रोज वही इडली सांभर ब्रेड खा लेता हूं। अखिल इसको और नहीं झेल सकता मैं। ए अखिल इस संजय की तो ना मैं। मुझे इतनी देर इंतजार मत करवाया कर यार। अकी लाइट तो बंद कर। लाइट को छोड़ यार मुझे देर हो रही है, चल थोड़ा सा और बिल आ जाएगा और क्या। चल नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। हाँ हाँ जानता हूँ। ये लड़की कैसी है? कौन सी लड़की? तुम्हारी वाली आ गई। संजय तमीज से। टिक 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 टिक। देख ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसे बर्बाद मत करना। मैं भी यही कहने वाला था। हाय। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं इट्स ओके। हेलो कोई बात नहीं। ओके प्लीज कम। हाँ बिल्कुल आइए।
So, tea or coffee? नहीं नहीं, it's okay. Coffee. Excuse me, madam. Thank you. एक coffee लेकर आना. Sure. Yeah. So, 13th को है launching function. Ma'am, venue कहाँ पे है? Ma'am नहीं, Irene. तुम नाम ले सकते हो. वेन्यू डिसाइड होते ही बता देंगे. सो अखिल, तुमने शो के लिए अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ प्लानिंग की है? बेसिकली 5 स्टैंडर्ड्स होंगे. 20 मिनट्स शो टाइम. ओके. विद 2 ब्रेक्स इन बिटवीन. 6 मिनट्स पहला ब्रेक, अनदर 6 मिनट्स अनदर ब्रेक. फाइन. यू विल श्योरली हैव अ ग्रेट शो. वी आर रियली गोना किल इट. सुपर, प्लीज. ओके. देयर यू गो. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Welcome on board. Thank you. Chal chal, aja. See you. Bye bye. Bye bye. Hey, wait. मेरा burger यहाँ है. मतलब मेरा brother यहाँ है. तुम भी चलोगी? नहीं नहीं चलना. नहीं ना. ओके चल, बाय. दोस्त के साथ आई है. हाय गाइस, क्या हुआ तुम लोगों को? हाय. तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, ऐसे ही. तुम लोग क्या कर रहे हो? हम बिजली का बिल भरने आए. अच्छा, जो क्या, मैं भी वही भरने आई हूँ. ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजय ने उस दिन बोला था यहाँ पर बेस्ट बर्गर मिलते हैं, तो हमें जरूर खाने चाहिए. मैंने कहा था ना बर्गर खाने को. जरूर कहा होगा. इसमें एग्जाम्स है ना तुम्हारे? हाँ, वो कल है. तो जाओ पढ़ो. मुझे जोर से भूख लगी है. तो फ्रेंच फ्राइज खाओ. बर्गर बनने में टाइम लगेगा. पढ़ाई नहीं करनी क्या तुम्हें? मुझे बर्गर चाहिए. ये संजय का बर्गर है ना. हाँ, ये मैं ले लूं प्लीज. थैंक यू. प्लीज यार, मुझे बैठ के खाने तुम दो. जाओ घर. हाँ, और जाके पढ़ाई करो. प्रॉब्लम क्या है? मेरी फ्रेंड मुझे यहीं छोड़ के चली गई है, मैं कैसे जाऊंगी? हाँ तो तुम इसने ही तुमको बताया था ना यहाँ के बर्गर्स के बारे में. हाँ, तो फिर यही जाएगा तुम्हें घर ड्रॉप करने. नहीं नहीं, मुझे यही रहना है. सही कह रहे हो. चलो चलो, कम ऑन. नहीं जाना यार. अरे चलो, छोड़ दे यार. कम ऑन. थैंक यू. बाय. शो के लिए गुड लक. और जा, छोड़ा. चलो संजय. संजय, बाइक जरा आराम से चलाना प्लीज. बाय बाय. ये देख, एकदम लेटेस्ट ऐप आया. लेडी सुमित्रा. हाँ बोलिए. तुमने मेरे बैग से पैसे निकाले क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर कौन निकाल सकता है? कहाँ गए पैसे? कहीं नहीं मिल रहे हैं. ध्यान से देखिए, वही कहीं होंगे. अपने पर्स में देखिए, उसी में रखे होंगे आपने. ओ, मैंने चेक कर लिया, उसमें भी नहीं है. आजकल रोज मेरी जेब से पैसे गायब हो रहे हैं. पता नहीं किसकी हरकत है ये. स्टार्ट हो जा. अरे हो जा. कैसा है बाबू? देखो अखिल, बाइक स्टार्ट हो गई. मैंने इसे बनाई है, समझ गए? और बेटा कैसा है? बना दिया. गुड वर्क बाबू. चलो. मैं नहीं बना सकता क्या? सही सही है. वेल डन वेल डन. बैठ बैठ बैठ. सब सही चल रहा ना भाई? काम बन गया तेरा? हम जाएं और काम नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? देख लो, सारे काम हो गए. और सिर्फ वही नहीं भाई ना, कुछ खास नहीं. हमारी बाइक का क्या, चलेगी? चलेगी नहीं, उड़ेगी बेटा. ऐसा क्या? ये वाली. चलना चलना यार, राउंड मार. ठीक है यार, हो गया. चलना चलना, टेस्ट राइड कर ले. करता हूँ. भाई का काम मस्त है. अरे पुलिस इधर. रोड नहीं, उस तरफ. एक्साइड. फंस गए ना? मैंने कहा था ना इस रास्ते से मत चल. वो लोग भी गायब हो गए यार. जेब हल्की करते हो, निकलते हैं यहाँ से. चल क्या रहा है बताओ मुझे. है? मैं तुम लोगों को पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, ये पब्लिक रोड तुम्हारे स्टंट के लिए नहीं बनी है. नाम क्या है तुम्हारा? संजय. और तुम्हारा? विनय. तुम वहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? सर वो एक बाइक लॉन्च थी तो इसलिए हम लोग. तो तुम्हें क्या लगा हम यहाँ लंच कर रहे हैं?
रुको अभी बताता। मार्टिन चालान बुक तो लेके आ। जी सर। सर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे सर। हाँ तो प्रैक्टिस का फाइन भर देना। कितने हैं जेब में बता। मेरे पास तो नहीं, तू दे दे यार, बाद में ले ली यार। बचे हुए 500 रुपए भी गए। बस 500 रुपए? अरे कुछ तो ऐसा करो जिससे किसी को फायदा हो सके। चलो भरो जल्दी। चल इधर आ जा रे। नाम बता, कहाँ से आया तू? अड़ा तो ऐसे जैसे जेब में पैसे ही नहीं है। अरे यार ये तो इरियन की गाड़ी है, ये हो सकता है हमारी प्रैक्टिस देखने आई हो, है ना? अरे अरे नहीं यार, उसलिए नहीं आई है। अबे ये चल क्या रहा है यहाँ पर? अब समझ गया ना, दोनों अलग ट्रैक पे हैं। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? बड़े मजे ले रहे हो तुम और वो दोनों। अरे नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्यों गलतफहमी हो रही है। वो बस मुझसे पूछने आई थी कि चैनल के ऑटो शो में क्या मैं उनके लिए टेस्ट राइड करूंगा, बस और कुछ भी नहीं रहे, तो मैंने हाँ कह दी। चलो टेस्ट राइड करने में क्या, कुछ और भी। चलो। अरे माँ ये क्या हुआ आपको? कहाँ गायब थे तुम पूरे दिन से? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? क्या हो गया है माँ आपको? टेरेस पर थोड़ा स्लिप हो गई थी। तुम्हारी माँ तुम्हें कब से बोल रही है कि वाटर टैंक को साफ कर दो? मैंने आपको बोला था ना माँ, मैं कर दूंगा, मैं कल ही करवाने वाला था। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पूरा दिन किस काम में बिजी रहते हो। वो तो शुक्र है कि चोट ज्यादा नहीं लगी। अब इस बात पर इसे डांटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आखिर मेरा ख्याल यही तो रखता है। परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ क्या बहुत दर्द हो रहा है? अब ठीक हूँ बेटा। तुमने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। ठीक है मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना। कभी नहीं सुधरने वाले ये लोग। हे हाय आर्यन। हाय। क्या तुम नॉर्मल स्पीड पर बाइक चला लेते हो? Why? Why bike stunts? अब तुमने पूछ लिया है तो बताता हूँ। I believe you should live your life with passion. Do you know Dave McKenna? Dave McKenna? No. Work idol है bike stunters के लिए। उन्होंने life में cancer को survive किया है। वो cancer patients की charity के लिए bike stunts करते हैं। Oh. मेरा भी कुछ वैसा ही goal है। मैंने 9 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। He had cancer. और उसके बाद से मेरा सिर्फ एक ही गोल है, चैरिटी के लिए बाइक स्टंट्स करना। That's it. मेरे लिए ये जरूरी नहीं कि मैं कहां पहुंचूंगा, बल्कि ये जरूरी है कि मैं कहां पहुंचा हूं। भैया ये तो बैंगलोर वाला शो है ना? हाँ क्यों? संजू ने कहा था कि शो सुपर्ब हुआ। ये सच्ची में सुपर्ब है। सच में? माँ को इसके बारे में मेरी वजह से ही कुछ नहीं पता है, तुम्हें याद है ना? हाँ तो? तो यही तो मेरा पॉइंट है, यू नो, एक सिक्के के हमेशा दो साइड्स होते हैं। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मेरा साथ देना। करना क्या है? मैं लास्ट सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट में फेल हो गई। तो ये बात है। ये तो मुझे माँ को बताना ही पड़ेगा। ठीक है मैं भी माँ को इन स्टंट्स के बारे में बता देती हूँ। तो जा कह दे, मैं नहीं डरता। ठीक है माँ को बता दूँ, देखना तुम माँ को बताते। अच्छा एक मिनट सुन, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ? प्रोफेसर ने कहा है कि पेरेंट्स से उनकी मीटिंग करवानी होगी। ओके तो माँ की जगह तुम साथ चलो ना। ओह बस इतना, मैं जाऊंगा। Promise? पक्का प्रॉमिस। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुम एक सच्चे भाई हो। तुम जाकर हाँ, पढ़ाई मैं पढ़ती, करो। मैं पढ़ती हूँ। हेलो। हाँ? ये बुक्स भी लेती जाओ, शायद पढ़ने के लिए जरूरत पड़े। थैंक यू। उन्हें शक तो नहीं हुआ? नहीं, वो बस सोच रही थी कि तुम इतना जल्दी कैसे जग गए। वो तो इसलिए क्योंकि वो डरती है कि मैं मेहनत ना करने लगूं। भैया तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से माँ हमेशा टेंशन में रहती है। सच में? तो और क्या,
कोई बात नहीं, सब कुछ सच में सही हो जाएगा। कौन है ये लोग? ये एलबी का गैंग है ना? ए! कितने बदतमीज है ये लोग, तुम्हें इन्हें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। क्या भैया क्या कर रहे हो, उन्हें जाने क्यों दिया? पकड़ो उन लोगों को। जाने दो कहां तक ऐसे भाई? कैसे जाने दो, तुम्हें उनको उनकी औकात दिखानी होगी। कम ऑन भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलो। पकड़ कर बैठो। तेज चलाओ ना भाई। ओके रेडी, 1 2 3। बाइक उस तरफ लो, मुझे उसे लात मारनी है। तेज भाई तेज, कम ऑन कम ऑन, चलो भाई चलो, तेज चलाओ, कम ऑन भाई, ये और तेज चलाओ भाई। मेरा भाई है ना, सुपर्ब है ना, अपने लेवल के लोगों से पंगा लो, बाय। ओह हाय। हाय। मे आई कम इन मैम? यस। मे आई कम इन मैम? यस। हेलो मैम। मेरा भाई। तो मैं उसके लिए क्या करूं? मैम आप ही ने तो कहा था घर से किसी को लाना, तभी क्लास में एंट्री होगी। हाँ लेकिन उस बात को तो 2 हफ्ते हो गए हैं। हाँ वो क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं मैम, ही इज ए स्टंटर, बाइक स्टंटर। प्लीज, मैंने तुमको बैठने को नहीं कहा है। नाम क्या है आपका? अखिल। ओ, इसे क्या आप यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं? और वैसे भी मैंने पेरेंट्स को बुलाया था। मैम एक्चुअली मम्मी अमेरिका गई हुई हैं। वो 2 हफ्ते बाद आएंगी, भाई कल ही साउथ अफ्रीका से वापस आए हैं। देखा आपने, यही इसकी प्रॉब्लम है, मुंह पर झूठ बोल देती है, ना खुद पढ़ती है और ना किसी और को पढ़ने देती है। मैम सॉरी मैम, अब दोबारा ऐसा नहीं करेगी, प्रॉमिस मैम। सुन लिया तुमने? ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अब अगर ये मुझे लेक के पास या कैंटीन में घूमते हुए दिखाई दी तो मैं डायरेक्ट इसको टीसी दे दूंगी। ठीक है मैम। Now go to your class. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. चलो चलो. Please, आप हमारे बाइक स्टंट्स देखिएगा जरूर. Thank you, ma'am. चलो 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 चलो. Martin, analyzer से चेक करो. रुको 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 रुको. Hey, रुक 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 रुक. Hey, रुको रुको रुको. साइड में. हाँ यहीं पे लगाओ. चल हेलमेट निकाल. क्या बात है सर? बोला ना हेलमेट निकाल. इसमें फूंक मार, अच्छे से फूंक मार। कहां से आ रहे हो? अभी तो मैं बाइक स्टंट की प्रैक्टिस से आ रहा हूँ, सच कह रहा हूँ सर। मुझे पता है उसमें फूंक मारने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा मार्टिन, जरा इसका बैग तो चेक करना। सर बैग? तुम लोग थोड़े अलग कैटेगरी के हो। बैग के अंदर कुछ भी नहीं है सर। ठीक है ठीक है, बैग में सामान होगा तो क्या स्टंट नहीं करोगे? सर सामान के साथ कौन स्टंट करता है? ठीक से चेक किया ना? सर चेक किया। चलो चलो निकलो, अब गाड़ी सीधे घर रुकनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। चलो चलो। थैंक यू। हाँ थैंक यू, बड़ा आया थैंक यू। ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। चलिए सर फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ ठीक है ठीक है। हम यहाँ क्या करने आए हैं भाई? कुछ स्पेशल करेंगे। कैसी लगी जगह? भैया वाओ भैया, आई लव दिस प्लेस। पर हम बैठेंगे कहाँ भैया? लाइफ में सिर्फ चेंज नहीं चाहिए बल्कि थोड़ा कलर भी चाहिए। वो देखो, ब्यूटीफुल स्मार्ट यंग लेडी, वो लाएगी तुम्हारी जिंदगी में चेंज। चलो उससे बात करते हैं। चश्मा लगा लेंगे? हाँ पहन लो पहन लो। बस अब तुम देखते जाओ। हाय। हे रुक 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 रुक। हेलो। हे हाय आर्यन। हे हाय अखिल, कैसे हो? और ये कौन है? मीट माय वन एंड ओनली सिस्टर। हाय। आई एम आर्यन। अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानना चाहती हो तो मैं पहले बता दूं कि इसको लास्ट एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इतने अच्छे कि टीचर ने क्लास में बैठने ही नहीं दिया। इतना भी बुरा मत कहो।
वो बस मुझे परेशान कर रहा है, उसे मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। सिली बॉय। ओके ओके बैठ, मैं बस अभी आया। या श्योर, बैठो ना। तुम क्या कर रही हो? आई एम वर्किंग। वो मैं समझ गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अखिल से ही मिलने आई थी। रोमांस के लिए? टीम 5 मेरी कंपनी के लिए इवेंट कर रही है, इसीलिए मिलने आई। सच में? Yeah. मुझे नहीं पता था, सॉरी। इट्स ओके। हाय। हाय। इसने ज्यादा बोर तो नहीं किया ना? एब्सोल्युटली नॉट। अखिल, हमारा शो नेक्स्ट वीक है। शो में तो हम रॉक कर देंगे। आई एम श्योर। है क्या? नहीं, माँ को बता दूं? नहीं, उनको मत बताना। Ladies and gentlemen, as we come towards the end of the show, we proudly bring the performance of the amazing bike stunters from our own India, Team 5. कहना क्या चाहता है? क्या इसीलिए मैंने इतने पैसे खर्च करके तुझे बाइक दिलवाई थी? ये सब बंद कर दे, समझ गया? माँ, इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रही हो? ओह, तो ये तेरे लिए छोटी सी बात है। जॉर्ज ने जब से मुझे ये बताया है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ये सब कुछ इसके दोस्तों की वजह से हो रहा है। सारे दोस्त लंबी दाढ़ी और बाल घुमाकर घूमते रहते हैं, जरा पूछो इससे। बाइक स्टंटिंग कुछ और नहीं, एक एडवेंचर स्पोर्ट है माँ। अगर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं तो इसमें कोई खतरा नहीं होता है। इस लड़के को समझाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, YouTube पर इसके कई सारे वीडियोस देखे हैं और व्यूज भी बहुत हैं। सच में? हाँ माँ। हाँ माँ, चुपचाप अंदर जा। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब बताओ कि मैं क्या करूं? तुम उस सोफी को कॉल करो, कैसे भी इसका वीजा निकलवा कर इसे वहां भेज दो। भाई आ छोटे, बैठ बैठ बैठ। मेरे को मालूम है भाई कि स्टंट तेरे लिए सिर्फ मजा नहीं है, मैं जानता हूं। तेरा फोकस बहुत सॉलिड है इसके ऊपर, लेकिन हमारे हिसाब से सब कुछ हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्या हुआ भाई? कल दिन में तेरी माँ आई थी गैरेज में मेरे से मिलने के लिए। ओ, अंकल ने उनको कहा होगा। पता नहीं क्यों अंकल उनको हमेशा मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। उन्होंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है, वो भी अकेले, खून पसीना भा के। तेरे को उसके जज्बात को समझना चाहिए। ये सब छोड़ छाड़ के चले जा बेटा घर पे। जब मुझे कोई नहीं समझता तो आप ही मुझे समझते हैं। तेरे को मालूम है तेरा मकसद क्या है, लेकिन तेरे को क्या लगता है सिर्फ बाइक स्टंट करके तू वो सब कर पाएगा? जरा सोच के देख, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ क्यों अकेले अंधेरे में बैठा हुआ है? तुझे नहीं जाना है तो कहीं मत जा, चल अंदर चल के खाना खा ले। आप क्या चाहती हो माँ? क्या आप चाहती हो कि मैं अब्रॉड चला जाऊँ, है ना? मुझे तेरे फ्यूचर की चिंता है इसलिए ऐसा कह रही हूँ। अगर आप यही चाहती हो तो मैं रेडी हूँ। मैं इस दुनिया में
कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ। सच कह रहा है ना तू? हाँ। मैं ये बात जॉर्ज को बताती हूँ। भैया, पता है तुमने मम्मी से झूठ कहा कि तुम बाहर जा रहे हो। नहीं। तो तुम सच में यहाँ से चले जाओगे? हाँ, चला जाऊंगा। मत जाओ भाई, तुम चले गए तो मेरे पास कोई नहीं होगा। मुझे जाना ही होगा, यहाँ रुककर भी कोई फायदा नहीं है, जाना ही सही है। हाँ, पर टीम फाइव? टीम फाइव? भैया, मैं चाहती हूँ कि तुम बाइक स्टंटिंग की दुनिया के स्टार बन जाओ। तुम्हें पता है मैं अपने फ्रेंड्स को तुम्हारे बारे में क्या बताती हूँ? टीम फाइव नेक्स्ट स्टंट चैंपियनशिप के विनर होंगे। ओह, कोई बात नहीं, कंपटीशन के टाइम पर मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाऊंगा। रियली? प्रॉमिस? प्रॉमिस। यस। तुमसे मिलना है? मैं मीटिंग में थी, तुमने कॉल किया था? एक्चुअली वो घर पे, मिलकर बताता हूँ। ओके, आई वांट टू टॉक। तुम फ्री कब हो रही हो? ऑफिस के बाद मिले। ओके ओके ओके, बाय। क्या हुआ? तेरी तो ए, चल निकल, निकल रे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी। फ्रेंड? चलो बैठो। आज जो हुआ भैया को मत बताना। हाय, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, मेरे अंकल ने हमारा शो देख लिया और उसके बाद माँ के सामने सीन कर दिया। अब माँ चाहती है कि मैं अब्रॉड चला जाऊं। और तुम्हारा पैशन? पैशन? इस पैशन के बारे में जब उन्हें पता चला, सारी प्रॉब्लम्स तभी शुरू हुई हैं। तो तुमने ये फैसला क्यों किया? माँ की खुशी के लिए, और अब मेरे दिमाग में वही चल रहा है। वैसे तुम मुझसे क्या बात करने वाली थी? नहीं, कुछ भी नहीं। हेलो, अखिल? हाँ,
मेरी बेटी सकता है। शांत हो जा। संभालो अपने आप को। उठो, चलो, अंदर चलो। संभालो खुद को। चलो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से। चलो, संभाल कर। एक्चुअली अखिल की बहन इज नो मोर। आई एम रियली सॉरी। संभालना अपने आपको। पकड़ो, पकड़ो मुझे। ये लो बेटा। अरे लो बेटा, तुम तो कालो। एक बाइट बेटा। अरे सुनो तो अखिल, सोने दो ना माँ। सबेरा हो गया बेटा, देख टाइम क्या हुआ है। हे रुक 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 रुक। हाय। अच्छा, अरे कहाँ थी तुम? इतना मत खा। भैया तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बोलो। भैया इंसानों से गलती हो जाती है, बड़े भाई होते किस लिए है? चलो ना मेरे साथ कॉलेज। चुप कर। मार क्यों रहे हो? मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। हाँ तो जाके बोल देना। चल ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भैया मैं चाहती हूँ कि तुम बाइक स्टंटिंग के स्टार बन जाओ। तुम्हें पता है मैं अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में क्या बताती हूँ? टीम फाइव ही जीतेगी इस बार की चैंपियनशिप। कुछ दिनों से तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, रीजन क्या है ये तो बताओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी? ये तुम क्या कह रहे हो? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने उस दिन तुम दोनों को साथ में देखा था। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए तू ज्यादा बन मत, तू उसको कहाँ लेके गया था उस दिन? तुझे कुछ भी मालूम नहीं है, बोल। अरे वो एक प्रॉब्लम में थी यार। अरे कैसी प्रॉब्लम जिसके बारे में सिर्फ तू जानता है? तुम लोग मुझे समझने की कोशिश करो यार। हमें तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? क्या इतना ही जानते हो बचपन से तुम लोग मुझे? यही है तुम लोगों की टीम फाइव। हो गया, तू अब से टीम फाइव का मेंबर नहीं है। हम तुझे माफ कर रहे हैं क्योंकि तुझे भाई समझते हैं। चल जा, शक्ल मत दिखाना। टेक्नोलॉजी और सहूलियत ने पता है क्या किया, रिश्तों में दूरियां बना दी हैं। और हम यहाँ वही दूरियां कम करने आए हैं। लो मेरी बेटी भी आ गई।
बेटा वापस कब जा रहे हो? मे बी नेक्स्ट वीक। अच्छा, क्या सोच रही हो तुम यहाँ खड़ी होकर? मम्मी, मैंने इस रिश्ते के लिए ना बोला था ना? हमने उन्हें नहीं बुलाया है, तुम्हारे डैडी के पुराने दोस्त है वो। उन्होंने कहा कि वो तुमको देखना चाहते हैं, तो उनको क्या मना कर देते? तो आप क्या चाहती हैं, मैं सज धज कर उनसे मिलने जाऊं? देखो, तुम अपने पापा को दुख मत देना, बस मैं कह दे रही हूं। भाई। क्या हुआ एलबी? भाई हमें आपकी मदद चाहिए प्लीज। कैसी मदद? कंपटीशन नजदीक आ रहा है, इस बार मैं चाहता हूँ कि हमारी बाइक्स आप ही सेट करें। भाई का एक टच ही काफी होगा। भाई प्लीज मना मत करना। मना कर दो भाई, बाकी मैं देख लूंगा। भाई संभल के, कहीं बाल ना जल जाए। भाई बुला रहे हैं आपको, जाओ जाओ जाओ। ये मेरा प्रोफेशन है और ये मेरे कस्टमर लोग हैं। मैंने कहा था ना भाई मना नहीं करेंगे, चलो काम हो जाएगा। एलवी ने जो कहा था वो सच हो रहा है भाई, टीम फाइव बन गई टीम जीरो। संजय कहाँ है? तुम सब जानते हो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है भाई, वो नहीं आने वाला। मुझे 10 मिनट दे दो भाई, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। वैसे भी मेरे को पूछने वाला तो कोई है नहीं, सिंपल सी बात है। भाई अगर आप बोलोगे ना वो जरूर आएगा। देखते हैं। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? वो मैं तेरे बॉस से बात कर लूंगा। ठीक है। बॉस, वो गाड़ी जरा देख लो ना। अरे मैं काम कर रहा हूँ यार, तू जाके देख ले। मैंने उसको बोला, पर उसको आपसे मिलना है। भाई तेरी इंजीनियरिंग की डिग्री फुकट नहीं जाएगी, समझा बेटा। आजा आजा। भाई कैसे हो? क्या रे, तेरे को ऐसे छिपके भागने की जरूरत नहीं थी। हा? मैं तो बस सब भूलने की कोशिश कर रहा हूं भाई। कब तक चले गई है? तू अपनी माँ और फ्रेंड्स सबको भूल गया बेटा? मुझे नहीं पता भाई। इस बार सब लोग बोल रहे टीम फाइव को भी कंपटीशन में आना चाहिए, अपनी जान लगा दे, आजा टीम के अंदर। नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा। बाइक स्टंट्स में वापस जाना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। अखिल, अगर हम जिंदगी में ऐसे ही भागते रहे ना तो सारी उम्र भागना पड़ेगा। आगे तू वही कर जो तेरा दिल बोले। ओके, ख्याल रख अपना। बाय। Oh!
Mumbai. A warm welcome to all bikers and riders. Bikers Stunt Championship India 2018. So are you guys ready? This event is brought to you by KTM. Our sponsor is Kawasaki and Yamaha. It's time to get ready. So gear up and get ready, Mumbai. और मुंबई आज की इस इवेंट की हमारी पहली टीम है बैकस्ट्रीट फाइटर्स। किधर है? वो अभी आया नहीं भाई। आया नहीं भाई। और इस इवेंट की जो अगली टीम है वो है टीम 360। संजय तू बाइक तो रेडी कर। मैं बाइक रेडी करता हूँ, इनको भी बोल दीजिए। मैंने बोला ना तू बाइक लेके आ। और अब टाइम आ चुका है अगली टीम से नॉक ओवर होने का, जो कि है नॉकआउट। इधर क्या हुआ बोल? ये जो पीछे खड़ा ना सब इसी का करा धरा है भाई। याद है उस दिन क्या कहा था तूने कि टीम 5 ये कंपटीशन जीतेगी? चल टाइम आ गया है, कमर कस ले। और अब समय आ गया है कहर ढाने का, और अब आ रहे हैं द लेजेंड्स, द डेविल बाइकर्स। और अब जो अगली टीम ग्राउंड में आने वाली है वो है द एलबीज गैंग। अब हम लोग क्या करेंगे? आपके पास 5 मिनट और है, वरना आप किए जाएंगे डिस्क्वालिफाई। मेरा शेर। तेरे को यकीन था तू जरूर आएगा। अरे मेरे बेटे। तो अब खेल शुरू करते हैं। टीम 5। यस। कम ऑन गाइस, कम ऑन। सो गाइस दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आ रही है टीम 5। ये कैसे आ गया अखिल? वाह।
देखिए उसे, कमाल का लड़का। नाइस, तुम लोगों ने तो फाड़ के रख दी। यस, ये वैंकी इधर, इसको सॉरी बोल एलबी। अब समझ में आया तुझे टीम फाइव का? रुक जा, तुझे तो मैं एलबी एलबी रुक जा, बाइकर्स के कुछ उसूल होते हैं जो तेरे में नहीं है, जल्दी कर ले यहां से। भाई मैं अब जाऊं क्या? हाँ बेटा जा जा। हमारे बीच की प्रॉब्लम्स का रीजन वैंकी नहीं है बल्कि मैं हूं। इस सब की वजह मेरी केयरलेसनेस थी। उस दिन खाना खाने के बाद जब सिगरेट जलाने के लिए मुझे लाइटर या माचिस नहीं मिली तो मैं किचन में गया। मैंने सोचा कि स्टोव से सिगरेट जला लूं, पर स्टोव जल नहीं रहा था। मैंने देखा कि सिलेंडर का नॉब ऑफ था तो मैंने उसे ऑन कर दिया और तभी आइरीन का कॉल आया और मैं उससे बात करने लगा। हाय अखिल, क्या हुआ, तुमने कॉल किया था? हाँ, तुमसे मिलना चाहता था। तुम कब फ्री हो रही हो? और फिर अलीना कॉलेज से घर वापस पहुंची। भैया को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस गलती पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया उसकी वजह से मेरी बहन हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। अलीना की मौत के बाद मैं सब कुछ छोड़कर दूर जाना चाहता था क्योंकि सारी गलती मेरी थी। सॉरी गाइस। मैं आपसे सब कुछ छुपा कर नहीं रख सकता था, मां मुझे माफ कर दो। इसलिए मैं आपको बिना कुछ बताए यहां से दूर चला गया था मां। तू मुझे छोड़कर कहां चला गया था? मां लीना मुझे माफ तो कर देगी ना? नहीं बेटा, वो सिर्फ अपने भाई से प्यार कर सकती है। मुझे मुझे खुशी है कि तू वापस आ गया, ये काफी है मेरे लिए। ये कॉम्पिटिशन उसका सपना था, मैं उसी के लिए वापस आया था माँ। मैं तो चुप हो जा बेटा, जरा वहां देख तुझसे मिलने कौन आया है। हम्म।
sorry. I'm sorry. Ladies and gentlemen, boys and girls, the Bike Stunt Championship India 2016 goes to Team 5!